cho là bên về bên xuyên bì. So, अभी तैयारी हो रही है हमारे आने वाले ट्रिप की. वैसे आने वाले ट्रिप की तैयारी बहुत पहले से चालू हो चुकी थी, बट लिखित रूप में कॉपी कलम में हम प्लानिंग कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, लेकिन अभी प्रैक्टिकल करने का टाइम है. और जब प्रैक्टिकल करने का टाइम आता है ना, तो खर्चे होते हैं. सोच के दिल घबराता है, तो काउंट कीजिएगा कितने खर्चे हो रहे हैं इस ट्रिप की तैयारी में. जिंदगी की यही रीत है, कभी हार है तो कभी जीत है. You know what I mean, right? ये जो व्लॉग शूट हुआ, ये व्लॉग नहीं, एक्चुअली ये एक घटना है. ये जो घटना घटित हुई थी, ये हुई थी 1 जुलाई को, और आज है 3 जुलाई. तो जो बाहर के जितने भी शॉट्स हैं, आप समझ लो 1 जुलाई, और ये काला कपड़ा, सफ़ेद टोपी और ये अजीब सा चश्मा पहन के अगर बात कर रहा तो समझ जाना 3 जुलाई. मैंने इसको घटना इसीलिए कहा क्योंकि ये व्लॉग जब खत्म होगा ना, आप भी बोलोगे ये व्लॉग नहीं, ये घटना है. मेरा जो मेन मोटो व्लॉगिंग वाला कैमरा है ना, उस पर माइक कनेक्ट होता है, और मैंने माइक कनेक्ट नहीं किया, तो साउंड थोड़ा सा ऊपर नीचे है, आप समझ लें. अभी मैं जा रहा हूँ टाइगर सर्विस सेंटर, बाइक का जनरल चेकअप करवाना है. जब से मैंने बाइक लिया है तब से एक भी एक्सेसरीज इसमें फिट नहीं करवाई गई है. दो चीज़ें बोल सकते हो, या तो हम आलसी हैं, या फिर आप ये समझ लें कि हम पैसे बचा रहे हैं. मेरे हिसाब से, मेरी नहीं पूरे दुनिया के हिसाब से. क्या तुम्हारे हिसाब से, क्या दुनिया के हिसाब से, मैं कह देता, क्योंकि ये आज बोल रहा है ना, अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि साउंड ज्यादा आ रहा है, तो उसकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही है. तो ये कह रहा है, ये चाहता है बेचारा, कि टाइगर में कुछ ऐसे एसेंशियल्स एक्सेसरीज होते हैं जो लगाना कंपलसरी होता है, नहीं तो खर्चा डबल हो जाता है अगर गाड़ी गिरती है तो. जिसमें टैंक गार्ड आता है, मेन स्टैंड आता है, मेन स्टैंड का तो कुछ पंगा नहीं, लेकिन टैंक गार्ड का पंगा होता है, क्योंकि अगर गाड़ी गिरती है तो टैंक गार्ड पे इंपैक्ट पड़ता है, और टैंक गार्ड पे अच्छा खासा खर्चा हो जाता है. तो हमारा MSK जा रहा था ट्रैम सर्विस सेंटर एक्सेसरीज लगवाने के लिए. आगे देखो, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि मैं सर्विस सेंटर जा रहा हूँ तो टॉप बॉक्स पैनियर लेके क्यों जा रहा हूँ. बताता हूँ भाई, बताता हूँ. थोड़ा सब्र कीजिए, व्लॉग को एंजॉय कीजिए, पॉपकॉर्न खाइए, चिप्स खाइए, खाना खाइए, ब्रेकफास्ट कीजिए, पानी पीजिए, कोल्ड ड्रिंक पीजिए. बताते हैं भाई, घने घने बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश होने से पहले मैंने पहुंचा दिया है इसे सर्विस सेंटर. जैसे मैं अंदर घुसा, बारिश चालू हो गई. किस्मत अपने साथ है आज. किस्मत इसके साथ, इसको क्या पता कि आने वाले 4-5 घंटों में इसके साथ क्या होने वाला है. बाइक अभी गई है सर्विसिंग के लिए, और टैंक गार्ड, मेन स्टैंड ये लगेगा, और इस पूरे काम में लगेंगे लगभग 3-4 घंटे. आज मुझे बाइक देने वाले नहीं थे, लेकिन मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया अतुल सर को, अतुल सर ने दिया. थैंक यू अतुल सर. अभी ऐसा है ना कि मैं डेली व्लॉग कर रहा हूँ, और डेली व्लॉग में ना तुम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते. 3-4 घंटा यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसीलिए मैंने पहले से लैपटॉप कैरी किया. अब हम करेंगे एडिटिंग और अपने टाइम को यूटिलाइज करेंगे, ताकि आप टाइम पर वीडियो देख सकें मेरा. इसको क्या पता कि ये टाइम यूटिलाइज करके भी इसका कुछ नहीं होने वाला था, लेकिन कोशिश की है. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. ऐसा कोई सॉफ्टवेयर होता ना जो ऑटोमेटिकली वीडियो को एडिट कर देता. देखो मतलब घंटी भी बज गई, ऊपर वाला भी चाहता है कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर आ जाए जो ऑटोमेटिकली एडिट करके मुझे दे दे, तब तो मैं एक दिन में 2 ब्लॉग डाल देता. एडिटिंग पे आके सिर्फ काम अटक जाता, बाकी सब. देखो यार, अपना काम तो हो गया, लेकिन ये बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है. और अभी मुझे जाना है यहाँ से खारगर. सर्विस हो गया, सब बढ़िया हुआ, 3-3.5 घंटा लगा, अपना पूरा का पूरा काम हो गया. अब मुझे कैसे भी करके खारगर तक पहुँचा दे ऊपर वाले, आपका मैं
आभारी रहूंगा जिंदगी भर। सबसे पहले बाइक को धुलवाई गई थी, उसके बाद किया गया जनरल चेकअप। जनरल चेकअप में सबसे पहला जो काम आया वो था चेन क्लीनिंग का और चेन लुब्रिकेंट का। दूसरा काम था थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग। इसके बाद एयर फिल्टर चेंज किया गया, फ्रंट डिस्क ब्रेक चेंज किया, रियर डिस्क ब्रेक चेंज किया। फ्रंट डिस्क ब्रेक रियर डिस्क ब्रेक से महंगा है। सेंटर स्टैंड लगाया गया, फोक प्रोटेक्टर लगाया गया, मड गार्ड एक्सटेंशन लगाया गया, फ्यूल टैंक प्रोटेक्टर, हेडलाइट प्रोटेक्टर लगाया मैंने। और ये सारी चीज करवाने का मात्र जो खर्चा आया है वो आया है 46,556 रुपीज ओनली खर्चा। इसके बाद मैं गोरेगांव से निकला खारघर के लिए। खारघर सेक्टर 35 आरएफ कैंप, वहां जाना मेरा जरूरी था क्योंकि मुझे बाइक ट्रांसपोर्ट करना था मुंबई टू चंडीगढ़। बिकॉज जो मेरा आने वाला ट्रिप है उसके लिए मुझे टाइगर ही चलाना था, तो एनी हाउ मुझे वहां पहुंचना था। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब से मुंबई में बारिश चालू हुआ है सबसे ज्यादा बारिश जो हुई है वो हुई है 1 जुलाई को, और उस दिन मुझे खारघर सेक्टर 35 पहुंचना था। काम जरूरी था बिकॉज टाइगर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मुंबई टू चंडीगढ़ कम से कम 10 से 12 दिन लगता है, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे पहुंचना जरूरी हो गया था। और मैं निकला बारिश ट्रैफिक में खारघर के लिए। जब मैं सर्विस सेंटर पहुंचा तब जाके मुझे पता चला कि मैं अपना लाइसेंस और डेबिट कार्ड भूल गया, मेरे पास कोई कैश नहीं था। निकलने के बाद गोरेगांव में मैं 1 घंटे तक ट्रैफिक में फंसा रहा। 7 बजे निकला था और मैं 8 बजे तक सिर्फ गोरेगांव में ही था। जैसे मैं सांता क्रूज पहुंचा, मुझे वो कलीना वाला लेफ्ट लेके पहुंचना था वाशी के लिए, वहां पर जो जोरदार बारिश हुई है कि क्या बताऊं कैसी बारिश हुई है। पहले पहले तो थोड़ा तकलीफ हो गया था मेरे को ट्रैफिक में, बट वहां पर जो मैंने बारिश को एंजॉय किया है, जो भीगा हूं, जो टाइगर को चलाया हूं, जो मजा आया है, क्या बताऊं कि कैसा मजा आया है। देख लीजिए आप, नहीं मजा आया तो आपको पैसे वापस। मैं हमेशा ये कहते रहता हूं, लोग बोलते हैं कि पैसे कौन देगा, दिल की गहराई से आपको मोहब्बत का पैसा देंगे हम। मजा आएगा। बारिश में गाड़ी चलाते हुए एंजॉय करते हुए थोड़ा तकलीफ भी झेलते हुए, बिकॉज क्या हो रहा था ना कि खड्डे दिखने रहते, पानी भरा हुआ था, तो 2-3 बार खड्डे में गाड़ी गई और दिल की धड़कनें तेज हो गई और टेम्परेचर ऐसे बारिश में भी ना बहुत पसीने पसीने छूट रहे थे, तो थोड़ा सा डर गया था मैं। उसके बाद एक जगह पे रुका, मेरे ख्याल से खारघर सेक्टर 30 के पास मैं रुका था, और मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे पानी पीना था, मुझे चाय पीना था, मेरे को इतनी ठंडी लग रही थी, पूरा जिस्म भीगा हुआ था। जिस्म का ऐसा कोई कोना नहीं होगा, ऐसा कोई हिस्सा नहीं होगा जो बारिश के पानी से भीगा नहीं होगा। ठंड लग रही थी, चाय पीना था। एक टपरी के पास गया और उनको बोला कि भाई साहब आपके पास पेटीएम गूगल पे कुछ होगा तो मुझे थोड़ा आसानी हो जाएगी, मतलब टाइगर है, iPhone 10X रखा हुआ है, सब कुछ है लेकिन पैसे नहीं है जेब में। फिर वहां पर एक कोई टैक्सी ड्राइवर थे, उनको मैंने पूछा कि भाई आपके पास गूगल पे पेटीएम कुछ है, मैं आपको 100 रुपए ट्रांसफर करता हूँ, आप मुझे 100 रुपए दे दीजिए, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। तो बेचारे मान गए और उनको मैंने गूगल पे से 100 रुपए ट्रांसफर किया, उन्होंने मुझे 100 रुपए कैश में दिया। और जैसे उन्होंने मुझे 100 रुपए कैश में दिया वहां पर मुझे मिल गए मेरे 2 सब्सक्राइबर। बहुत शर्मा दे भाई। वो 2 सब्सक्राइबर ने मुझे हेल्प किया सेक्टर 30 से 35 आरएफ कैंप तक पहुंचने के लिए। और वहां पर पहुंचने के बाद मैं बड़ा सा कंटेनर था वहां पर, बड़ा सा ट्रक था वहां पर, मैंने अपनी बाइक कंटेनर के अंदर घुसाई और वो पैकिंग करने के लिए जा रहे थे। अब
जिस तरह से वो बात कर रहे थे और जिस तरह से पैकिंग कर रहे थे, मुझे लगा कि प्रॉपर केज होगा वहां पर, लेकिन वैसा कुछ था नहीं। मुझे डाउट हुआ, खारगर में रात के 12:30 बज रहे थे, मुझे डाउट हुआ और मैंने उनको बाइक दी नहीं। मैंने कहा कि मैं बिना टाइगर के चले जाऊंगा, लेकिन ऐसे टाइगर को दे नहीं सकता हूं, क्योंकि उनको लग रहा था कि मैं बुलेट लेके आया हूं। उनको मैंने कहा कि ट्रायम्फ टाइगर, बाद में बोलते अरे मेरे को नाम नहीं पता, तो मेरे को थोड़ा सा डाउट लगा और फिर मैंने वहां पर अपना टाइगर दिया नहीं। मैं वापस आया रात के लगभग 2:30 बजे, अपने घर पहुंचा उसी बारिश में भीगते भीगते, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बीमार पड़ जाऊंगा, बिकॉज आते आते मैंने बहुत छींका, मतलब ऐसा सर भी दुख रहा था, बॉडी पता नहीं कुछ अजीब सा हो रहा था। आके गर्म पानी से नहाया और खाना खा के सो गया। खाना भी नहीं खा पाया था यार, पैसे नहीं थे मेरे पास। जब वो सब्सक्राइबर मिले तो उन्होंने चाय वाय पिला दिया, उसके बाद यू नो वो 100 रुपया है यहाँ पर ही पड़ा हुआ है, ये वो 100 रुपया है जो मैंने गूगल पे किया था और वो टैक्सी ड्राइवर ने हमें दिया था। उनका नाम है शुभम भॉय। शुभम भाई थैंक यू सो मच, आपने मेरी हेल्प की, थैंक यू सो मच। सच्ची घटना पर आधारित ये कहानी आपने सुना, थैंक यू सो मच मम्मी का, आप लोगों का और ऊपर वाले का कि सही सलामत उतनी भयानक बारिश में मैं वापस आया घर सही सलामत। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, एंड माफी चाहता हूँ कि थोड़ा वीडियो लेट आया, लेकिन यू नो आप समझ सकते हैं कि मैं फिर से बीमार पड़ना नहीं चाहता था। थैंक यू मम्मी के पार्ट ऑफ डे, आल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, टेक केयर, खुदा हाफिज़, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम। और एक बात बताना चाहता हूँ कि जो ट्रिप है मेरा, उस ट्रिप में मैं टाइगर नहीं लेके जा रहा हूँ। अब ऐसा है कि मैं चला के यहाँ से लेके जा सकता हूँ, अभी भी कन्फ्यूज है, मन तो है कि मैं टाइगर ही चलाऊँ, लेकिन लेट्स सी। बूम। चलते टाइम बात नहीं करते, गाड़ी चलाते टाइम बात नहीं करते, है कि नहीं? वो तो पीछे बैठा हुआ है, मैं बात करते करते उससे